निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशी जैन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं इतने दिनों से अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई एम वेल नाउ एंड हियर आई एम। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर केयर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आधे से ज़्यादा लोग घर से बाहर ही रहते हैं, अपने आधे से ज़्यादा टाइम घर से बाहर ही निकालते हैं, और बाहर कितना डस्ट पॉल्यूशन और यूवी रेज, इन सब चीज़ों से हमारे बाल एकदम ख़राब हो जाते हैं, रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिससे हमारे हेयर फॉल होने लगता है और हमारे हेयर थिन हो जाते हैं, हमारे हेयर की लेंथ कम हो जाती है। के साथ बात करूंगी कि हम डेली रूटीन में अपने हेयर की केयर कैसे करें, क्योंकि फ्रेंड्स, हेयर हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हेयर अगर सुंदर होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम हाई लेवल का रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अपना हेयर वॉश करने के लिए वाओ का कोकोनट मिल्क शैम्पू एंड हेयर की कंडीशनिंग के लिए वाओ का कोकोनट मिल्क कंडीशनर यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने 15 डेज पहले ही परचेज़ किया है फ्रेंड्स, और मैं अभी तक इसको 5 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, हेयर वॉश करने के लिए हमें सबसे पहले एक मग में थोड़ा सा वाटर लेकर उसमें अपने शैम्पू को डाइल्यूट कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू थिक होता है और वो जाकर हमारी स्कैल्प पे जम जाता है, पानी से भी नहीं निकल पाता है पूरा शैम्पू, तो हमारी स्कैल्प को ड्राई बना देता है। मैं हमेशा टैप के नीचे ही हेयर वॉश करती हूँ और हेयर को इस तरीके से रखती हूँ कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे, इससे हमारी स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बकेट में ही हेयर वॉश करती हूँ, जिससे कि मैं देख पाती हूँ कि मुझे हेयर वॉश करने के टाइम पर कितना हेयर फॉल हुआ है। ये मग में बनाया हुआ डाइल्यूटेड शैम्पू अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, और फ्रेंड्स, मैं अब अपनी स्कैल्प को जेंटली मसाज करते हुए एक लेदर बनाने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी बालों की लेंथ को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरे बालों में लेदर नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखी हुई थी। अच्छा सा लेदर क्रिएट करने के 2 मिनट बाद अपना हेयर वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमें 2 मिनट तक अपने हेयर में शैम्पू को इसलिए रखना है ताकि जो उसमें DHT ब्लॉकर्स मौजूद हैं वो हमारी स्कैल्प पे अच्छे से वर्क कर पाएँ, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने हेयर में से शैम्पू कैसे निकाल रही हूँ। मैं अपने स्कैल्प की जेंटली मसाज कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने बालों को स्क्वीज़ करके एक्स्ट्रा शैम्पू जितना भी मेरे स्कैल्प में है उसको निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बालों में से शैम्पू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे शैम्पू जल्दी निकल जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है मुझे। फ्रेंड्स, मैं अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी शैम्पू आपके बालों में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके बालों में शैम्पू या कंडीशनर रह जाता है तो वही आपके हेयर प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न बनता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से टैप के नीचे अपने हेयर को वॉश करना है और जितना भी शैम्पू आपके हेयर में रह गया है या है उसको निकाल देना है। हेयर वॉश करने के बाद मैं अब अपने बालों में कंडीशनर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आपको अपने हेयर की लेंथ में और हेयर के एंड्स पे कंडीशनर अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपने रूट्स में ये कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। वैसे तो ये वाओ का कंडीशनर है, 100% नेचुरल बायोएक्टिव से बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं कंडीशनर को अपने रूट्स में अप्लाई करूँ। 2 मिनट रखना ही प्रेफर करती हूँ अपने बालों में। सो फ्रेंड्स, अब 2 मिनट के बाद मैं कंडीशनर को पानी से वॉश करके अच्छे से अपने बालों से निकाल दूंगी। तो अच्छी तरीके से निकालने के बाद अब मैं इस तरीके से स्क्वीज़ करके अपने बालों में से एक्स्ट्रा पानी को निकाल दूंगी और एक माइक्रोफाइबर का टॉवल लेकर अपने बालों को उसमें अच्छे तरीके से रैप कर लूँगी। अभी मुझे ये टॉवल रैप किए 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं इस टॉवल को खोल दूंगी। देख सकते हैं मेरे बाल हल्के गीले और सूखे हैं, तो अभी मैं इन पे लेवॉन अप्लाई करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यूज़ करी थी वो है वाओ का कोकोनट मिल्क शैम्पू। ये पैराबेन, सल्फर, सिलिकॉन, सॉल्ट एंड कलर फ्री है, और फ्रेंड्स, इसमें DHT ब्लॉकर भी है जो आपका हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, कम करता है।
और फ्रेंड्स मैं और बता दूं आपको, दिस इज़ मेड विद 100% नेचुरल बायो एक्टिव्स, और फ्रेंड्स इसमें यूज़ हुआ है कोकोनट मिल्क का एक्सट्रैक्ट एंड नेटल लीफ, हाँ नेटल लीफ, और इसमें लिखा है इट स्ट्रेंथेंस हेयर रूट्स, बूस्ट हेयर ग्रोथ, चेक्स हेयर लॉस एंड प्रीमैच्योर ग्रेइंग। और फ्रेंड्स मैं इसी ब्रांड का कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ, ये है वाओ का कोकोनट मिल्क कंडीशनर, और ये भी DHT ब्लॉकर्स के साथ है, और इसमें भी पैराबीन, सल्फेट, सिलिकॉन्स एंड कलर कुछ भी नहीं। मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ लिवॉन। गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लिवॉन आपको अपने हल्के गीले सूखे बालों में ही लगाना है, तो मैं इस तरीके से अपने लेंथ में इसको अप्लाई कर लेती हूँ, लिवॉन को मैं इसको अपनी लेंथ में अप्लाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आपको अपने हेयर ड्राई करने के लिए ड्रायर का यूज़ बहुत कम ही करना है या नहीं करना है, आप अपने बालों को एयर ड्राई होने दें तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। मैं अपने बालों को हमेशा एयर ड्राई करती हूँ, मैं कभी ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ, की हेल्प से अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सुलझा लेंगे। और मैं हमेशा ऐसा मोटे दांतों वाले कोम का यूज़ करती हूँ, ऐसा वाइड कोम का यूज़ करती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि वाइड कोम का यूज़ कीजिए, इससे बाल कम खिंचते हैं और हेयर फॉल भी कम होता है, क्योंकि अगर आपके रूट्स में से बाल नहीं खिंचेंगे तो बाल टूटेंगे भी नहीं। और जैसे अभी मेरे हल्के गीले बाल हैं, वैसे तो गीले बालों को कोम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप अपने गीले बालों को कैसे कोम कर सकते हैं। मैं इन बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी मैं ये थोड़ा थोड़ा पार्ट लेती जाऊंगी अपने बालों का, इनको ऐसे पकड़ के ऐसे कोम करती जाऊंगी, और फिर ये मैं, मतलब बिल्कुल भी प्रेशर हमारे रूट्स पे नहीं आना चाहिए, आप बालों को इस तरीके से पकड़ के कोम कर सकते हैं और इनको, इनके जितने भी टैंगल्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। हेयर पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हेयर वॉश और ऑयलिंग का होता है, तो मैंने आपको हेयर वॉश तो करके दिखा दिया, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सा ऑयल अप्लाई किया हुआ था अपने बालों में, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कौन सा ऑयल अप्लाई किया था। और फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा हेयर मास्क लगाती हूँ, तो उसके लिए भी जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं श्योरली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी अपना DIY हेयर मास्क। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।